28 मई 2023। जी हाँ, 28 मई 2023 भी हिंदुस्तान के कुछ ऐतिहासिक दिनों में से एक है। यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ हिस्टोरिकल डे, बट यस इट इज वन ऑफ द इंडियाज एज वेल एज यूपीएससी हिस्टोरिकल डे। दोस्तों, ये वो दिन है जिस दिन 2023 के अंदर यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट किया गया, और इस एग्जाम के बाद निराशा कुछ इस तरह से एस्पिरेंट्स के चेहरे पे देखने को मिली। दोस्तों, उस दिन रिजेक्टेड फेसेस और शैटर्ड ड्रीम्स जो देखे गए, उस सब का रीजन कुछ और नहीं था, उस सब के पीछे कारण था 2023 के अंदर आया पेपर के अंदर सी सेट का सेक्शन। अब दोस्तों, व्हाई आई एम सेइंग इट कि सी सेट के सेक्शन की वजह से, सिर्फ सी सेट के सेक्शन की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि सी सेट के अंदर इस बार अगर हम देखा जाए 2023 के अंदर, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे। और मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्वांट के ही थे, जबकि मेजरली यही कंसीडर किया गया फेलियर का रीजन सबसे बड़ा, कि क्वांट के अंदर कुछ क्वेश्चंस इतने लेंदी थे, इतने टाइम कंज्यूमिंग थे और इतने ट्रिकी क्वेश्चंस थे, जिसको शायद कैट के लेवल के क्वेश्चंस के इक्वल आप रख सकते हैं। दोस्तों, इस वजह से काफी स्टूडेंट्स ने क्वांट के क्वेश्चंस को ट्राई किया, बट नहीं होने की वजह से टाइम डेफिनेटली पास हो रहा था, टाइम जा रहा था हाथ से। फिर वो लोगों ने क्वेश्चन की कोशिश करी, रीजनिंग की, और फिर कोशिश करी इंग्लिश के, आरसी की, बट कहीं भी कोशिश कर रहे थे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलना मुश्किल था उनके लिए। कारण यही था कि इस बार पेपर का लेवल ही बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया था। अगर स्टूडेंट क्वांट या रीजनिंग के सेक्शन को छोड़ के अगर इंग्लिश आरसी को सॉल्व करने की कोशिश कर भी रहे थे ना, तब भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी वहां पे। उन प्रॉब्लम्स का रीजन ये था कि इंग्लिश में भी इस बार इतने मल्टीपल पैसेजेस देने के साथ साथ हर पैसेज के साथ सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन ही गिवन था। अब एक क्वेश्चन एक पैसेज के ऊपर होना, दैट मीन्स पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद, एनालाइज करने के बाद, 3 से 4 मिनट स्पेंड करने के बाद अगर एक क्वेश्चन किया भी सॉल्व, और वो भी अनसर्टेनिटी के साथ, और वैसे ही आप इतने शैटर हो चुके हैं जब आपको क्वांट रीजनिंग का बिल्कुल वो लेवल देखने को मिला जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। दोस्तों, इस बार एक्चुअली 2023 में सीसेट ने दो तरह के स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट किया। पहले तो वो जिन लोगों ने कभी भी सीसेट की तैयारी सीरियसली की ही नहीं थी आज तक। पहले तो कुछ वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सीसेट को बहुत लाइटली लिया, और दूसरे वो लोग थे जिनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो सी सेट के लेवल से इतनी ज्यादा नहीं थी, उनके एक्सपेक्टेशन कम थी कि सी सेट का पेपर हमेशा की तरह कम लेवल में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इन्हीं गलतियों की वजह से स्टूडेंट्स को ये फेलियर देखना पड़ा और ये रिजेक्टेड फेसेस देखने को मिले। अगर हम आगे बात करें इस पे कि किस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने मार्क्स सी सेट के अंदर एटलीस्ट 50 से, तो अब देखिए, जैसे कि हम लोग क्वांट पढ़ते हैं, हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग इंग्लिश आर से भी पढ़ते हैं, ठीक है, आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे होंगे, आप स्लीपी क्लासेस की यूट्यूब की वीडियोस भी देख रहे होंगे, और माइट भी आपने कोई कोर्स भी परचेज किया हो। दोस्तों, अब क्वांट की अगर बात करें तो क्वांट के अंदर अगर 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, तो क्या मैं ऐसा एज्यूम नहीं कर सकता कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैं 15 क्वेश्चंस भी अच्छे से एक्यूरेसी से सॉल्व कर लूं वहां पे, इवन मैं 15 भी नहीं लेके चलता पूरे, अगर 12 to 15 क्वेश्चंस भी ठीक से सॉल्व हो जाए, और रीजनिंग के अंदर भी 12 to 15 क्वेश्चंस इजिली सॉल्व हो जाए, और साथ में मैं कुछ 15 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस कर पाऊं, तो एग्जाम क्वालिफाई तो छोड़ो, मैं अप टू 100 टच कर सकता हूं आराम से, ठीक है। और ऐसे कौन से रिपीटेडली चैप्टर्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं सीसेट के अंदर, क्वांट्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर, या इंग्लिश आरसी में, कौन से मेजर टॉपिक्स पे काम किया जाए, किन ट्रिक्स को यूज करके, किन मेथड्स को यूज करके अपनी एक्यूरेसी और स्पीड बिल्ड की जा सके। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही टेक्निक्स, कुछ ऐसे ही ट्रिक्स, कुछ ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने के लिए सीपी क्लासेस ऑफर्स यू वन मोर एड ऑन कोर्स, दैट इज सी सैट स्प्रिंट कोर्स। ये कोर्स दोस्तों रहने वाला है टोटल 21 डेज का। अब इन 21 डेज को हम लोग यूटिलाइज कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले बात तो इस चीज की करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर हम टोटल 10 लेक्चर्स करेंगे क्वांट के ऊपर, 5 लेक्चर्स करेंगे रीजनिंग के ऊपर, और 6 लेक्चर्स करेंगे इंग्लिश आरसी के ऊपर। सो दैट इनको करने के बाद 12 से 15 क्वेश्चंस इजिली हम लोग टारगेटेड क्वेश्चंस, टारगेटेड टॉपिक्स में से क्वांट के सॉल्व कर पाए, वी आर केपेबल ऑफ डूइंग इट आफ्टरवर्ड्स। और रीजनिंग के भी हम एटलीस्ट 12 से 15 क्वेश्चंस, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ इजी इजी क्वेश्चंस या फाइंड आउट करेंगे, डेफिनेटली इजी तो करेंगे, लेकिन जिन टॉपिक से
आप देखें दो तीन क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं या चार क्वेश्चंस, उन टॉपिक को मेजरली यहाँ पे डिस्कस करेंगे और डायरेक्टली अपने क्वालिफाई मार्क्स से भी ऊपर मार्क्स हम ग्रैस्प कर सकते हैं। ऐसे ही इंग्लिश आरसी के हम 6 लेक्चर्स करेंगे सो दैट स्टूडेंट्स अपना स्पीड के साथ एक्यूरेसी के साथ 15 आरसी के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। अब दोस्तों इस कोर्स में आपको और क्या ऑफर किया जा रहा है, सबसे पहली बात तो क्लास बेस्ड प्रैक्टिस शीट्स। अब इन प्रैक्टिस शीट्स में क्या होगा, जिन भी मेजर टॉपिक्स की डिस्कशन हम करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ एक लाइव सेशन में, उसी टॉपिक पे बेस्ड आपको उसकी प्रैक्टिस शीट भी दी जाएगी सो दैट आप भी उसको सॉल्व करें, अपने डाउट्स लें और आप उन टॉपिक्स में अपने आप की 100% सर्टेनिटी जो है वो क्रिएट कर पाए। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि कोर्स आपको कॉस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ 999। मुझे लगता है कि ये एड ऑन कोर्स आपकी काफी हेल्प कर सकता है आपके मार्क्स को बूस्टअप करने में और आपकी सक्सेस को एंश्योर करने में। तो अगर आपको लगता है कि सी सेट की थोड़ी सी भी आपको चिंता है या सी सेट में आप थोड़ा सा भी अभी घबरा रहे हैं, थोड़ी घबराहट है या फिर आपकी जर्नी में टूवर्ड्स यूपीएससी ये सी सेट कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टेकल बन रहा है, तो आप हमें इस कोर्स के लिए ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।